ओम शांति। आज है 14 जून 2021 की साकार मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। प्रश्न, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वो विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं, शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो जैसे है कनरस। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं, हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। यह आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्पररी जीवात्मा बनता हूँ, तुम स्थाई जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीवात्मा हूँ, सो भी तुम्हारे माफिक नहीं बनता। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। वापस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। बच्चे सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो तो गीत सुना। कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं बच्चे ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य न आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है, तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी है तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं तो ये फैमिली हो गई, यह है ईश्वरीय फैमिली।
बाबा कहते, बच्चे किसको नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है, कन्या परमार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अदर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है ना, शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो, गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है, शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सागिर है उनको तो हम ले नहीं सकते, वो अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता ज्ञान में आए तो सागिर को ले सकते हैं। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग है। सत माना एक बाप, जिसके लिए कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर, आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्यूरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, ये शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है, यह इनका शरीर है। ये पतित शरीर हमारा नहीं है, आते ही है इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। जो नंबर वन पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही है। पतित तो सब है ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु ये ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं बच्चे मैं स्तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वह हो गए भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने के कारण दे अभिमान आ जाता है। वह कोई ये तो समझाते नहीं है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पढ़ती है, ये कोई समझाते नहीं है क्योंकि दे अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे ना बच्चे। तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मनमना भाव मध्याजी भाव का ज्ञान है। मामे कम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है, पांडवों की विजय हुई, विजयी माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी। अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है, कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16108 की बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो ना हमारी चढ़ती कला है, हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए बच्चे। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वो ना धारणा करेंगे ना कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं, यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं।
पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वो फिर सेकंड हैंड हुआ ना। सत्युग है नई दुनिया और त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बच्चे पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी, तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है, तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी है हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं, ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए। परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, भल बहुत धनवान है परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं, नहीं तो मास दो मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी, सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी, हम चुंबक से मिले। गीत है चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम डर से कभी नहीं निकलेंगे, परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। कट निकली हुई होगी तो वो अवस्था होगी। बाप कहते हैं हे आत्माएं मन मना भव, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में, ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो फिर सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्यों को पता ही नहीं है रावण भगवान से भी थीका है, उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे, शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई, अब रावण स्वर्ग में कहां से आए? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिकार बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं है, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है कि बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं? बैठे तो यहाँ ही है, बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। इच्छी इच्छी दुनिया कब्रस्तान बननी है, भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भव। कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधे ली है, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो, जो कल्प पहले फूल बने हुए होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है, नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते हैं और याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं, उनके आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है।
दूसरा अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। वरदान अपने सर पर वरदानी हस्त बाबा का अनुभव करें। स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूरत भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहजी पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्वशब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती है। इसलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है, लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहजी सफलता।